जिद जित मोना तेनू दिन रात नी महंगी जी मैं ले लेनी है कार सोनिए ओ ओ ओ हाय हाय पंजाबी गाना। ये बहन जो ज्यादा लड़कियां जो अपने आप को सो कॉल इन्फ्लुएंसर समझती है वो पंजाबी गाने पे ही वीडियो क्यों बनाती है? पंजाबी गाने पे वीडियो बनाने से स्वैग बढ़ जाता है क्या? मतलब अगर इनसे गाने का मतलब पूछ लिया जाए तो इनकी गान पढ़ के हाथ में आ जाएगी। जैसे तुम वो चार गाड़ी वाली वीडियो तो देखे ही होगे, जो होता तो चार गाड़ी है पर ये चार गाड़ी बोल के वीडियो बनाते हैं। वो बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र चार गाड़ी नंबर तेरे दोस्त तेरे मित्र चार गाड़ी नंबर मेरे दोस्त तेरे मित्र चार गाड़ी नंबर मतलब तो बस यही बोलना चाहूंगा। अबे एचआर है एचआर चार नहीं है। हाँ तो आगे तुम लोग आना ही था क्योंकि इस वीडियो में रोस्ट होने वाली अवनीत कौर जो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि नो हेट टू अवनीत कौर, मैं इन पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनका इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिंज से भरा हुआ है और इतनी मात्रा में क्रिंज किसी भी दिमाग के चित्रे कर सकते हैं और मे बी गांड भी फट सकता है। सो जिनको लगता है कि मैं इसे हेट करता हूं तो तुम्हारी थ्योरी यहीं पे गलत हो गई भाई। तो वीडियो पे तुम डिसलाइक करना भी मत, और करना भी है तो 1 से ज्यादा डिसलाइक करके दिखाओ, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो अवनीत कौर वो है जो टोनी कक्कर के हर गाने पे रील्स बनाकर उसका गाना प्रमोट करती है, एंड दैट्स व्हाई टोनी कक्कर का गाना हिट हो जाता है क्योंकि टोनी भाई इन जैसे कई छपरियों को पाल के रखे हैं ना। अवनीत कौर वो है जिसके आधे ऑडियंस टोनी कक्कर के हैं और आधे इस गांडू के, और उसके बाद जो बचता है वो इनके ऑडियंस है, मतलब कुछ नहीं। अवनीत कौर वो है जिसको लोग उसके सुंदरता के लिए देखते हैं ना कि उसके टैलेंट के लिए, बिकॉज लोग अगर इनको टैलेंट के लिए देखते हैं तो इनके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स ना होते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवनीत कौर वो है जो है तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस बट भारत की 80% जनता इसको टिकटॉकर मानती है क्योंकि ये फेमस ही टिकटॉक से हुई थी, वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता ना फेमस होने के लिए। तो आशा करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्राणी को रोस्ट करने वाले हैं। सो चलो अवनीत कौर के इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रीन से क्लीन में परिवर्तन करते हैं और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी अंधभक्त के। ओके, तुम्हारी पहली मोहब्बत है मैं समझ रहा हूँ, पर तुम अपनी पीठ हमको क्यों दिखा रही हो भाई? हैं? पीठ दिखाने से तुम हॉट हो जाओगी क्या, या फिर तुम्हारी ये वीडियो दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो बन जाएगी? अजीब बवासीर है यार, पता नहीं लगी हो क्यों लगता है कि ऐसे करने से इनके वीडियो पे व्यू आएंगे। मतलब वो कौन चूतिए लोग हैं जो इसको स्वैग बोलते हैं? अरे भाई ये स्वैग नहीं बल्कि अलबेला बवासीर है, समझो मेरी बात को, क्योंकि स्वैग के नाम पे लोग पीठ के साथ साथ अपना नितंब भी दिखाते हैं। नितंब समझते हो? नितंब गांठ को बोलते हैं। नितंब अबे यार इतना भी मेकअप ना किया करो कि मुंह ही गांड जैसा दिखने लगे। और चलो कर भी रहे हो तो कम से कम बिना फिल्टर की वीडियो बना लिया करो क्योंकि फिल्टर प्लस मेकअप इक्वल्स टू का बवासीर बना दिए हो। मतलब क्या है ये? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्यों है ये? लोग मेकअप करते हैं ताकि वो खूबसूरत दिखे, इतना तो मुझे भी पता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेकअप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको खूबसूरत से बवासीर दिखना होता है, जैसे तुम। अरे भाई जब तुम बिना मेकअप के ही अच्छे लगते हो तो ऐसा क्यों करते हो? मतलब तुम्हारी ये मेकअप देख के मुझे उल्टी करने का मन करता है, वो भी खून की। भानु प्रताप भगबू फिड़के है देखो भाई, एक तो इस गाने पे इतने रील बन रहे हैं कि पूछो ही मत। मतलब बनाना है तो बनाओ पर कुछ अट्रैक्टिव तो करो। ये क्या है वीडियो, बस अंगड़ाई ले रहे हो और थोड़ा सा मुंह हिला दिया बन गया वीडियो? अपनी ऑडियंस को चूतिया समझियो क्या? ओ वो तो है ही चूतिया, सॉरी मैं भूल गया था। अब माना कि तुम बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो लेकिन ऐसी बकचोदी करके आप ये दिखा रही हैं कि आपके पास कोई काम धंधा झांट नहीं है। अबे कम से कम मैच्योर बनो, ये क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो? और इसकी जितनी भी ऑडियंस वीडियो देख रही है तो सुनो, मुंह अच्छा हो जाने से इंसान अच्छे नहीं हो जाते, वैसे इनका कंटेंट भी अच्छा नहीं हो जाता, समझो मेरी बात को। अबे कोई स्ट्रेंड की माँ चोदो भाई, मतलब ये तो इनकी पुरानी वीडियो है पर लोग अभी भी स्ट्रेंड पे वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या? पेट की नाभि दिखाना इज नॉट अ कंटेंट। और तुम इसी मैडम को देख लो, इन्होंने वीडियो बनाई है ठीक है, पर ये वीडियो अगर लास्ट में ऐसे मुंह टेढ़ा करके जीभ निकालने का क्या लॉजिक है भाई? देखो मैडम ऐसे ही चलता रहा ना तो आपको मूवी में कोई लीड रोल नहीं मिलने वाला क्योंकि डायरेक्टर आपकी ये वीडियो देख के आपकी मूवी से बाहर निकाल देगा, समझो मेरी बात को। कुछ भी करा रहा हमसे कहना यहां के डाउन है हम। नंबर लिख 98971। आय हाय टोनी कक्कर का गाना वो भी नंबर लिख। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब एक बवासीर ने दूसरे बवासीर पे वीडियो बना दी और इसे कहते हैं का बवासीर बना दिए हो? मुझे कुछ फूड आइटम से एलर्जी है और कुछ लोगों से भी। तो हम क्या करें, हिलाएं? भाई, 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 भाई। नहीं भाई, मतलब फर्जी की बकचोदी चल रही है, इनकी वीडियो में कुछ ढंग का नहीं है जो देखने लायक हो। चला वीडियो इन्होंने बनाया है और उसको देख के गांड मेरी फट रही है, देख रहे हो ना क्या दुविधा है इंसान की। पता नहीं लोग कैसे इनको फॉलो कर लेते हैं यार। मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी भी रह सकती हूँ, लेकिन चुप।
हाँ वो तो आपकी वीडियो देख के लग ही रहा है, बट उसके साथ साथ आप मैच्योर भी नहीं लगती। और जो लड़के बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना, तो लोग उसको क्यूट बोल बोल के दिखा दिखा के क्यूट ही बना दिए हैं बहनचोद। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ दिन ये लोग बोलते तो ठीक है, इंसान को अच्छा लगता है, बट अगर तुम इनके साथ 2 या 3 साल के रिलेशनशिप में हो तो वही लड़कियां तुमको राखी सावंत लगने लगती है। अबे लंड मेरा। बाकी सब तो ठीक है, बट अगर ऐसा नुकीला जूता मैं पहन के किसी को मार दूं तो जहाँ पे मारूंगा उसकी वो चीज फट जाएगा, और मेरा मतलब गांड से है। अबे साले। अबे भाई ऐसे जूते पे तो बैन लगना चाहिए, ये किसी हथियार से कम नहीं है। अगर टोनी स्टार्क ने जूता पहना होता ना तो थैनोस की गांड फट जाती उसका जूता देख के। 1000 चेहरों में सिर्फ तुम अच्छे लगे हमें, वरना ना चाहत की कमी थी ना चाहने वालों की। मैडम मैडम वो आपको चाहते नहीं है बल्कि, चलो छोड़ो छोड़ो, अब वो जो भी है जिसका अपना चेहरा पसंद किया है वो आपकी ये बकचोदी देखी या तो आपको छोड़ देगा या फिर अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी करवा लेगा, क्योंकि घमंड अपने तक ही सीमित रहे तो सही लगता है, पर अगर आप अपना घमंड दूसरों को दिखाएंगे तो वो आपका असली घमंड बन जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तेरी बहन की जांट में लगा भाई भाई। एंड आज की दुनिया में अगर आपका मुंह अच्छा है देन आप इंस्टाग्राम के हीरो बन सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे टैलेंट की कदर नहीं की जाती, और पहले ऐसे बॉलीवुड में भी होता था, लेकिन अभी कुछ चेंजेस देखने को मिला है हमको। आई होप कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत ही जल्दी देखने को मिले। आ जाती है उसे जब भी बुलाऊं पर आती थोड़ा लेट है, कुड़ी तू चॉकलेट लेट। चॉकलेट से याद आया कि ये यहाँ पे क्यों है, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये अल्बेला लंड इस दुनिया में है ही क्यों? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। चला ये जहाँ जाता है वहाँ क्रिंज फैलाता है। अगर मैं इसकी जगह पे होता ना तो अब तक कुछ ना कुछ ऐसा करता कि मेरी टैलेंट देख के लोगों की गांड फट जाती, बट क्या फायदा, जो चीज इनको आसानी से मिल जाती है ये लोग उसका भी कदर नहीं करते। अरे लौड़े का पेप्सी ऐड करने के नाम पे मुजरा कर दिया, बस हो गया ऐड। विनोद कल से पेप्सी लाना बंद। मतलब मैडम से अगर भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाए तो इनका मुंह चुत्तर जैसा बन जाएगा, जैसे हमारी आलिया भट्ट का बना था एक बार। पर ये स्वैग ऐसे दिखाते हैं कि जैसे दुनिया का सारा ज्ञान इनके पास ही है। स्वैग इज नॉट अ स्टाइल, स्वैग इज अ नॉलेज। सो अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तुम मेच्योर भी हो, देन तुम्हारे पास स्वैग भी है, सिंपल। बट अगर ऐसी बकचोदी करोगे तो लोग तुम्हें चूतिया ही समझेंगे और तुम चूतिया बन भी जाओगे। सो प्लीज इन जैसे लोगों को अपना टट्टा बनाने से अच्छा अपना खुद का टट्टा बनाओ, आई मीन अपनी औकात बनाओ। सिर्फ देखते ही रहोगे क्या इनको, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं। बाकी आज की मधुर यही खत्म करते हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी तो मजाक की तरह ही लेना। एंड नो हेट टू अनित कौर, समझला। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग, बाय।